दोस्तों, अक्सर हम अपने होम टाउन जब जाते हैं तो हमारे गांव के नवयुवक हमसे मिलते हैं, बातें करते हैं और पूछते हैं कि मीडिया में कैसे काम करें, फिल्मों में कैसे काम मिलेगा। तो मैं उन सभी लोगों के लिए एक बेहद खास बात बताना चाहता हूं कि आप सबसे पहले अपने पढ़ाई पर फोकस करें, साथ साथ में जब भी टाइम मिले अपनी डेली एक्टिविटीज़ का, चाहे वो बातचीत का हिस्सा हो या कोई डायलॉग हो या कुछ फनी एक्टिविटीज़ हो, इन सारी चीज़ों को मोबाइल में रिकॉर्ड करें, इसे सोशल मीडिया पर अपलोड करें। सोशल मीडिया पर अपने आप को चेक करें, ऑडियंस रिटेंशन देखें, ये भी चेक करें कि कितने लाइक्स मिले हैं, कमेंट्स क्या आए हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, आप अपने आप को चेक कर पाएंगे। यानी आप घर बैठे आप अपने आप को चेक कर सकते हैं, अपनी क्वालिटी को डेवलप कर सकते हैं और फिल्म जगत में काम करने के लिए आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, आज आप लोगों की तरफ से मैंने मुंबई फिल्म जगत से जानी मानी फिल्म प्रोड्यूसर और आई साइन की एम्बेसडर इरम फरीदी से पूछा कि दूर दराज से आए आर्टिस्ट को कैसे काम मिलेगा फिल्मों में, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई, मैं आपको सुनाता हूँ इस वीडियो में। एक्टर बनने के लिए भी आपको परिपक्व होना चाहिए, आपकी सारी चीजें इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि आपको आपको नजरअंदाज करा ही नहीं जाएगा। आपको अपनी एजुकेशन पे अपना ध्यान देना चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देना चाहिए। पूरी तैयारी के साथ आते हैं तो ऑफकोर्स आप चमकेंगे जरूर, बट लेकिन सही तरीके से। हमने बहुत बेहतरीन फिल्में बनाई हैं, हमने इस सोसाइटी को, इस हमारे समाज को अच्छे से अच्छा मैसेज देने के लिए अपनी फिल्मों में उतारा है। तो हमारी ये पूरी कोशिश है, चाहे वो राइजिंग इंडिया की बच्ची की कहानी हो, चाहे श्रृंगार की एक संघर्ष वाली औरत की कहानी हो, तो हम यही कोशिश करते हैं कि इस समाज को एक अच्छा मैसेज दे सकें। एटलीस्ट हम कोशिश तो कर सकते हैं, तो यही हमारी ये जो नीति है इसको हम फिल्मों में द्वारा ढालना चाहते हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे और अच्छी अच्छी फिल्में बनाते रहेंगे। दृष्टि प्रोडक्शन, अ डिजिटल स्टोरी टेलर ऑफ योर इमेजिनेशन।